हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इम्परफेक्ट डायरीज़ में। दोस्तों, आज मैं कुछ फ्लावर पॉट के पेंटिंग्स के तरीके, एकदम सिंपल से तरीके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सबसे पहला गमला लिया है मैंने, सारे के सारे प्लास्टिक के जो 30 रुपए के मिलते हैं, हमारे कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा, वो लिया है। और पहला जो कर रही हूँ वो है प्लास्टिक का जो पॉट लिया है, उस पर मैंने वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट एज अ बेस यूज़ किया है। आप जो इनेमल पेंट आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। एक्रेलिक पेंट से एक्चुअली मुझे दो कोट्स देने पड़े, फिर भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट आ रहा था। दो कोट्स देने के बाद जब पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, वाइट कलर का जो बेस है उसके ऊपर मैंने लाइट ब्लू कलर का स्पंज से डैब करते हुए लाइट ब्लू कलर का बेस फिर से एक जो कलर दिया है, और उसके ऊपर एक हल्का सा एकदम सिंपल सा एक चिड़िया बर्ड का डिज़ाइन किया है, जिसको मैं कलर से फिलअप करूँगी। और ये कलर्स भी नॉर्मल हमारे एक्रेलिक कलर्स ही हैं। कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, जो आपका मन करे आप वो डिज़ाइन कर सकते हो। ये लाइट ब्लू कलर मुझे ऐसे ही अच्छा लगा करने के लिए, तो मैंने वही कलर यूज़ किया है। आप एक्चुअली मेरे दूसरे पॉट्स के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करता है, तो मैंने वो कलर किया है। आप कोई भी कलर, कोई भी आपका मनचाहा पेंट वो यूज़ कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। ये चीज़ों में आप चाहो तो अभी अपने बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हो, उनका भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब टाइम पास भी हो जाएगा और पेंटिंग करने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एकदम रफ सा कुछ ऐसा, हाँ, एकदम शेड वेड ऐसा वैसा करके, ज़्यादा कुछ हाई फाई करके मैंने पेंटिंग्स नहीं किए हैं, एकदम सिंपल वाले पेंटिंग किए हैं। दोस्तों, अगर जो भी आज आप डिज़ाइंस देखोगे, इनमें से कोई भी डिज़ाइन आपको, अगर कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्टाइल आपको अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब आते हैं दूसरे टेक्निक के तरफ। दूसरे में एक्चुअली मेरा ये जो ब्लू कलर मैंने पहले में दिया था, वो ब्लू कलर थोड़ा बच गया था, और तो मैंने उस पर थोड़ा सा एक 4-5 ड्रॉप पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है, और वही स्पंज से फिर से मैं डैब कर रही हूँ। और जैसे कि पहले बताया था कि वो बेस कलर मैंने वाइट दिया है, तो देखिए कैसा एक स्पंज से डैब करने के बाद कैसा एक पैची सा एक बेस उठ के आया है। ये मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने इसके ऊपर और कोई डिज़ाइन नहीं किया, मतलब पेंटिंग को फिनिश अप कर नहीं किया। तो इस पर एक सिंपल सा ब्लैक कलर से ही मैं इसको एक डिज़ाइन बना रही हूँ, एकदम सिंपल, और बस ऐसे कुछ फ्लोरल पैटर्न्स हैं, सिंपल। मुझे एक्चुअली ये सबसे प्यारा लगा, बहुत इजी था बनाना, तो वही मैंने किया है। ये थर्ड पॉट मैं एक्चुअली थोड़ा अच्छे से साफ़ करके, इस पर मैं बेस कलर कुछ दे नहीं रही, इसीलिए अच्छे से साफ़ करके पेंसिल से पहले मैं ट्रेस आउट कर रही हूँ मुझे क्या पैटर्न चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए, और फिर मैं बिना कोई बेस कलर दिए इसको वैसे ही जो पॉट का जो ओरिजिनल कलर है ब्राउन कलर, उसी के ऊपर डायरेक्टली मैं पेंट लगा रही हूँ। ये जैसे मैं एक फ्लोरल डिज़ाइन कर रही हूँ, और उस पर कलर्स वैसे भी नहीं बैठते, चिपकते अच्छे से एक्रेलिक कलर्स, तो मैं ब्रश को भी हल्के हाथों से डैप करके कलर दे रही हूँ। और जैसे आप देख सकते हो ये येलो कलर लाइट कलर है, तो ब्रश के स्ट्रोक्स कैसे एकदम लाइंस दिखते हैं, तो मुझे ये पैटर्न ऐसे ही जैसे एकदम रफ सा एक फ्लावर का डिज़ाइन आया, तो जैसे मुझे और कोई शेडिंग करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है।
आप चाहो तो आपको जैसा पसंद है आप वो कर सकते हो। एकदम पहले बेस कलर वाइट दे के फिर उस पर आप कलर पॉप करवाने के लिए पहले बेस कलर दे के फिर येलो या फिर जो भी कलर आपको फ्लावर का चाहिए वो कलर दे सकते हो। मुझे ऐसे ब्रश के स्ट्रोक्स अच्छे लगे तो मैंने वैसे का वैसा ही छोड़ दिया, एक ही कोट करके। मैंने ये फ्लावर को दूसरा कोट नहीं किया है, बस वो बीच वाला जो ऑरेंज पोर्शन है उसको फिर से कर रही हूँ, और वही ब्रश से मैं जो येलो पोर्शन है पेटल्स हैं उस पर बस एक ड्रैग कर रही हूँ ताकि वो एक शेडिंग दिखे, फ्लावर का जो एक टेक्सचर होता है शेड होता है वो दिखे। और सूखने के बाद मुझे काफ़ी ये ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा था। जो लीफ है उस पर मैं ऐसे जो कोन आउटलाइनर्स हैं फेविक्रिल के वो लगा रही हूँ, उससे बस मैं जो पत्ते के वेन्स है वो डिफाइन कर रही हूँ, और फिर नॉर्मल ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग, सारे जो भी मुझे आउटलाइनिंग चाहिए वो सारे मैंने आउटलाइन कर दिए ब्लैक कलर से। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे शायद बस पेंट जो कलर्स हैं वो सूखने के लिए जितना टाइम लगा और बाकी करने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। आप भी थोड़ा सा भी अगर आपको 10-15-20 मिनट टाइम मिलता है आप वो कर सकते हो। और ये ऊपर जो पोर्शन है वहाँ पे मैंने और कुछ डिज़ाइन नहीं किया, बस ऐसा एक ब्रिक का पैटर्न क्रिएट कर दिया है, और वो ब्रिक का पैटर्न एक्चुअली एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लेके एक एक स्पेस बीच में थोड़ा स्पेस देके बस एक छोटा छोटा स्ट्रोक्स लगाने हैं। अगले डिज़ाइन में भी मैंने वही किया है, इसको मैंने पॉट को कलर नहीं किया है और मैं एक सिंपल सा वॉर्ली का डिज़ाइन बनाना चाहती थी तो वही किया है। पेंसिल से पहले कुछ डिज़ाइन मैंने आउटलाइन कर दिए और उसको सिंपल वाइट कलर से फिल कर दिया है, एकदम सिंपल और कुछ नहीं। और पूरे पैटर्न को मैंने ऐसे कोई स्टोरी ऐसा कुछ नहीं, बस डांसिंग गर्ल्स रखे हैं, एक बस एक सिंपल से लाइन में डांसिंग गर्ल्स हैं, और ऊपर और नीचे मैंने पॉट को बॉर्डर कर दिया है। कलर वही है, सिंपल वाइट कलर ही रखा है, ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं किए हैं। इसमें से दोस्तों आपको कोई भी डिज़ाइन कोई भी पैटर्न अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को प्लीज़ ज़रूर दबाइए, और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि मैं ऐसे कलरफुल वीडियोस आपके साथ आगे भी शेयर कर सकूं। और सब्सक्राइब के पास जो रेड कलर का बेल आइकन है बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बेल आइकन दबाने से मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सारे पेंटिंग्स आपको कैसे लगे, ये पेंटिंग आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। It's not a game, it's a red skin.